मेरे YouTube वीडियोस पर अक्सर बहुत सारे लोगों के ये कमेंट रहते हैं कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से क्या हम 1 HP का समरसेबल चला सकते हैं, क्या हम अपना रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, या हमारे पास मोनो ब्लॉक पंप है क्या वो हम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से क्या आप समर्सेबल चला सकते हैं, अगर चला सकते हैं तो किस तरह चला सकते हैं, और अगर नहीं चला सकते हैं तो क्यों नहीं चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से क्या आप 1 HP का समर्सेबल चला सकते हैं। तो 1 HP का समर्सेबल चलाने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 1 HP का समर्सेबल आखिर कितनी पावर लेता है। तो जो 1 HP का समर्सेबल पंप है वो करीब 780 वॉट के आसपास में रेगुलर उसका लोड कंजप्शंस होते हैं, कि जो रेगुलर में वो खाएगा बिजली कंजप्ट करेगा वो करेगा 780 वाट। पर जब उसको स्टार्ट करते हैं आप समर्सेबल को, तो वो अपने रेगुलर लोड से अप टू 3 टाइम्स मतलब 3 गुना तक ज़्यादा भी उसके पावर कंजप्शंस होते हैं, मतलब कि 2100-2200 वाट तक भी वो चला जाता है। अब 2100-2200 वाट आपको जो लोड है वो केवल 1 सेकंड के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है, 1 से 2 सेकंड के लिए। तो ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात ये कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर हैं या फ्रीज हैं, तो क्या 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम उनको चला देगा? तो फ्रेंड्स, अब उसी के लिए भी आपको वही पावर कंजप्शन वाला फार्मूला कि आपका रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर का जो रेगुलर लोड होता है वो 500 वाट होता है, और स्टार्ट लोड जो है वो करीब 700-800 वाट तक चला जाता है। तो आपका रेफ्रिजरेटर तो चल ही जाना है, बाकी आपके वॉशिंग मशीन है या आपके घर पे कूलर है, पंखा है, तो वो सारे लोड जो हैं वो चूंकि 100-200 वाट के ही लोड होते हैं, वॉशिंग मशीन का जरूर 500-700 वाट तक का लोड होता है। तो फ्रेंड्स, अब मुद्दा ये कि क्या 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वो हमारे 1 HP के पंप को चला देगा। सबसे पहला मुद्दा आपका ये है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो समरसेबल के लोड होते हैं वो अपनी क्षमता से वो 3 गुना तक ज़्यादा लेता है स्टार्ट में, जैसे कि वो स्टार्ट होता है। अब 1 किलोवाट का अगर आपके यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 किलोवाट का वो कंटीन्यूअस पावर आपको दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आउटपुट जो है वो आपको देता है जो हमारा सोलर पैनल होता है। कई टाइम ऐसा होगा दिन में कि वो 700-800 वाट भी आपको दे रहा होगा, और कई टाइम ऐसा होगा कि वो 100-200 वाट भी दे रहा होगा। डिपेंड करता है कि सन का जो रेडिएशन है उस टाइम पर कितना है, सन से कितने फोटोवोल्टिक्स जो हैं वो हमारे सोलर पैनल को मिल रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। अब ओवरऑल अगर हम जनरेशन की बात करें पैनल की, तो ओवरऑल जनरेशन अलग अलग टेक्नोलॉजी वाइज अलग अलग पैनल का जनरेशन होता है। जैसे कि 1 किलोवाट का आपका सोलर पैनल है, अगर पोली पैनल आपने लगाया हुआ है तो करीब 3 से 3.5 यूनिट का जनरेशन करेगा पर डे का 1 किलोवाट का। इसी तरह बायफेशियल पैनल अगर आपने लगाया हुआ है तो करीब 6 यूनिट का जनरेशन आपको मिल जाएगा 1 किलोवाट से। तो ये पैनल की बात कि पैनल ने कितना प्रोडक्शन किया और आपको चाहिए कितना। तो फ्रेंड्स, आपका ये सवाल कि क्या 1 किलोवाट का जो पैनल है वो हमारे समर्सेबल को चला देगा, तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि 1 किलोवाट का सोलर जो पैनल है वो आपके समर्सेबल को डेफिनेटली चला देगा, कहीं कोई डाउट है नहीं। आप शॉक्ड हो गए होंगे कि मैंने बोल दिया कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल जो है वो आपके सिस्टम को चला देगा। वो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि पावर कंजप्शंस कितने हैं, किस चीज़ के पावर कंजप्शंस कितने होते हैं। तो वो चला इस तरह देगा क्योंकि सोलर पैनल जो है उसको नहीं चलाना है आपके समर्सेबल को, उसको एक सिर्फ एक कंटीन्यूअस करंट को देना है। जो चलाना है वो आपका जो सोलर इन्वर्टर है या जो सोलर PCU है उसको लोड लिफ्ट करना है। वो 3 टाइम जो अपनी क्षमता से 3 टाइम ज़्यादा का जो समर्सेबल पंप जो लोड लेता है उस लोड को जो लिफ्ट करना है वो आपके सोलर इन्वर्टर को करना है। तो अगर आपके पास में इस तरह का सोलर इन्वर्टर है जो आपके 2000 वॉट तक के लोड को वो लिफ्ट कर सकता है कुछ सेकेंड्स के लिए, तो आपका 1 किलोवाट का ही बेशक आपकी छत पर पैनल लगा हुआ है वो पैनल इतना कैपेबल है कि आपके समर्सेबल को चला देगा। अब इसके पीछे साइंटिफिक जो लॉजिक है वो ये है कि जिस टाइम पे आपका समर्सेबल स्टार्ट हुआ उस टाइम पे समर्सेबल स्टार्ट होने के टाइम पे माना 2000 वाट का भी लोड जो है वो हमारे इन्वर्टर पे आया, सोलर इन्वर्टर पे आया। अब सोलर से माना पावर मिल रही थी उसको 700 वाट या 500 वाट, पर जो बाकी पावर है वो उसने बैटरी से लिफ्ट कर ली,
बाकी पावर जो है उसने अपनी बैटरी से उठा ली, तो माना कुछ सेकंड के लिए, 2 सेकंड मान लीजिए आप या 5 सेकंड भी मान लीजिए, 5 सेकंड के लिए 1500 वाट का लोड उसने बैटरी से लिफ्ट किया और 500 वाट का जो लोड है वो आपका सोलर से आ रहा था, आपका जो समरसेबल है वो स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होने के बाद में आपके पास में जो कंटिन्यूस जो करंट आ रहा है सोलर पैनल से, माना वो आ रहा है 500 वाट से 700 वाट, और आपका जो समरसेबल है उसको चाहिए 750 वाट या 800 वाट, तो 200-300 वाट जो है जो बाकी बचा वो बैटरी से लिफ्ट करता रहेगा और 500 मतलब करीब 500 वाट जो है वो आपका सोलर पैनल से आ ही रहा है, तो आपका जो समरसेबल है वो अनइंटरप्टेड आपका चलता रहेगा। तो चूंकि आपने सवाल ये पूछा कि क्या 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपके समरसेबल पंप को चला सकता है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि पैनल बिल्कुल चला देगा। अगर आपने 1 किलोवाट का पैनल लगाया हुआ है तो आपका समरसेबल, आपका फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, आपके घर के सारे लोड जो है वो चल जाएंगे। सवाल एक दूसरा कि क्या 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम मेरे 1 HP के समरसेबल पंप को चला सकता है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि नहीं चला सकता है, क्योंकि उसके 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के अंदर जो आप इन्वर्टर अपना यूज कर रहे हैं वो आप इन्वर्टर यूज कर रहे हैं 1 किलोवाट का, और जिसकी जो मैक्सिमम क्षमता होती है वो 800 वाट से 1000 वाट तक की क्षमता होती है। पर चूंकि हमें स्टार्ट के लिए ज़्यादा लोड की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से हमारा जो सोलर इन्वर्टर है या सोलर PCU आपने लगाया हुआ है वो सोलर PCU इतना कैपेबल नहीं है कि वो उसके जो स्टार्ट लोड है उसको वो झेल पाए, इसलिए जो 1 KVA का जो हमारा सिस्टम होता है जिसके अंदर 1 KVA का आपने PCU ले रखा है, 1 किलोवाट का आपने पैनल लगा रखा है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपके समरसेबल को चला दे। आपको अगर आपका समरसेबल चलाना है तो उसके लिए आपको जो सोलर इन्वर्टर है या सोलर PCU है वो आपको इतनी क्षमता का लेना पड़ेगा कि जिसके अंदर इतना पावरफुल हो कि वो जो सोलर इन्वर्टर है वो आपके कुछ सेकंड्स के लिए जो उसके जर्क लोड है जर्क लोड को झेल पाए। तो अब इस तरह के जो इन्वर्टर्स हैं वो कौन से होते हैं, मैं साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर कर दूं कि इस तरह के जो इन्वर्टर्स होते हैं वो जैसे नेक्सस में आपका आता है 3375 मॉडल आता है, अगर PWM टेक्नोलॉजी में आप लेंगे, इसी के साथ आप MPPT में जाएंगे तो 2.5 KVA का जो मॉडल है वो आता है 2 बैटरी पे, ये 2 बैटरी के मॉडल हैं। इसके अलावा फिर आपको 4 बैटरी के मॉडल मिल जाएंगे, 3 KVA, 4 KVA, 5 KVA, तो ये 4 बैटरी, 6 KVA भी 4 बैटरी में मिल जाएगा आपको, 7.5 KVA भी 4 बैटरी में मिल जाएगा, पर ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो केवल इतनी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो स्टार्ट लोड है जो करीब 2000 वाट का लोड है वो आपका जो लोड है वो आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर आपने इस तरह का PCU लगाया हुआ है, 2 बैटरी का ही माना PCU है और वो इतना लोड लिफ्ट कर सकता है, तो आपका समरसेबल आसानी से चल जाएगा। अब इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कुछ लोगों का ऐसा PCU उनके पास है कि जो स्टार्ट में उनका जो है वो 2000 वाट का लोड लिफ्ट कर सकता है, फिर भी उनका जो समरसेबल पंप है वो नहीं चलता है। तो उसके पीछे जो आज तक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, उसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो आपका समरसेबल का स्टार्टर होता है, स्टार्टर के अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, तो वो जो कैपेसिटर होता है वो कई बार लोग 2 कैपेसिटर लगा देते हैं उसके अंदर, या उस कैपेसिटर को बहुत हाई MFD का कैपेसिटर लगा देते हैं। एक्चुअल में 1 HP का जो ये समरसेबल पंप होता है उसके अंदर 25 MFD का कैपेसिटर लगा होता है। तो अगर आपका समरसेबल पंप नहीं चल रहा है तो आप अपने जो स्टार्टर है आपके समरसेबल का उसको जाके देखिएगा कि वो स्टार्टर के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है क्या वो ज़्यादा कैपेसिटी का तो नहीं लगा हुआ है, 35 MFD का तो नहीं है, 50 MFD का तो नहीं है। अगर 35 या 50 MFD का है तो फिर ये जो हमारा सोलर इन्वर्टर है ये नहीं है इतना कैपेबल कि उस लोड को उठा पाए, क्योंकि कैपेसिटर हाई होने से उसकी जो जर्क लोड है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, करीब 3 किलोवाट तक चला जाता है। तो आप उस कंडीशन में ऐसा करें कि आपका जो वो कैपेसिटर लगा हुआ है स्टार्टर के अंदर, उस कैपेसिटर को आप चेंज करके 25 MFD का आप कैपेसिटर उसके अंदर लगा दें। जैसे ही आप 25 MFD का कैपेसिटर अपने स्टार्टर में लगा देंगे वैसे ही आपका जो समरसेबल पंप है चल जाएगा। और अब कुछ लोगों का ये भी डाउट होगा कि क्या ऐसा तो नहीं है सर कि हमारा कोई समरसेबल पंप फूक जाएगा अगर 25 MFD का हमने कैपेसिटर लगाया, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई समरसेबल पंप फूक जाएगा। स्टैंडर्ड जितनी भी मोस्टली कंपनियां होती हैं तो वो सब 1 HP के समरसेबल पंप में 25 MFD का ही कैपेसिटर लगा के देती हैं। इसी के साथ आपका एक ये भी सवाल होगा कि क्या मोनोब्लॉक जो है हमारा जो 0.75 HP का है क्या वो 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से चल जाता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको सर्ज देखना है, मतलब कोई भी मोटर जो है वो कितना मैक्सिमम जो है वो लोड लेती है ये आपको देखना है, उसी के अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपका सिस्टम आपके लोड को चला देगा।
फ्रेंड्स, ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज था कि सर ये बताइए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दूं। इसी के साथ फ्रेंड्स, एक और मैं आप लोगों को मतलब जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सर आप कमेंट जो हमारे होते हैं उनका रिप्लाई नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अति व्यस्त जीवन जीने की वजह से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, और अगर कुछ कमेंट्स मैं छोड़ देता हूँ तो आप नीचे आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि वो सिमिलर कमेंट्स होते हैं जिनके कमेंट के आंसर मैं पहले से दिए हुए होते हैं मैंने। तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूं कि बेशक एक दिन बाद आपका रिप्ले करूं, पर मैं रिप्ले आप लोगों को करता ही हूं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है कि अगर आपका अगर रिप्ले लेट हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि मेरा शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन दोनों ही बहुत पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।